वेलकम बैक गाइस, और हम करने लगे हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6, फिजिक्स क्लास 10th, यूनिट 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टूडेंट। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और इसमें वो क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है 1 और 2, और उनके अंदर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मतलब ये कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, टोटल कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर? ओके। और उनकी जो कैपेसिटेंस है, पहले वाले की हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड है, और दूसरे के हमारे पास कितने 10 माइक्रोफेरेड है, और उन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, और दोनों को कैपेसिटर को हमने लगाया हुआ है पैरेलल में। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अगर हम इनको इस कॉम्बिनेशन में लगाए, मींस हम इसको किस में लगाए, पैरेलल में लगाए, तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, कितनी एबिलिटी हो सकती है इनके अंदर के चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम कीप इन माइंड, जब भी हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटेंस होती है, अमाउंट ऑफ चार्जेस को, वो ज्यादा एबिलिटी जो होती है चार्जेस को स्टोर करने की, वो ज्यादा होती है, क्योंकि हम यहां पे जो बैटरी सोर्स है उसके साथ डायरेक्ट हमने इसको भी कनेक्ट किया होता है और इसको भी कनेक्ट किया होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, इसको भी 20 जा रहा होता है और इसको भी 20 जा रहा होता है। दैट्स व्हाई इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, वो हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी जो चार्जेस को स्टोर करने की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा होती है, तो इसमें हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला लगता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, स्टूडेंट वो मैं यहां लिख देता हूं, बल्कि मैंने वहां लिखा भी हुआ है। ये देखिए छठे का जो एम हमारे पास जो यूज हो रहा होगा फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो क्या है हमारे पास, C1 + C2, इनके दोनों की उसने हमें दी हुई है ना, सिंपल इसको और इसको हम ऐड कर देंगे और हमारे पास जो होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके। तो मैं यहां पे पहले ए सॉल्व कर देता हूं यहां पे। तो एम हमारे पास स्टूडेंट ये फार्मूला लगेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगे हुए, जिन्होंने टॉपिक समझा हुआ उनको तो इजीली समझ आ गई होगी। क्लियर? ओके। अब यहां पे सिंपल हमारे पास ये भी है और ये भी है। मैं यहां पे हमें पता है ये माइक्रो दिया हुआ है स्टूडेंट, माइक्रो के हमारे पास पावर कितनी होती है, 10^-पावर कितनी होती है हमारे पास, -6 होती है। वेरी गुड। ओके। तो यहां पर हम हमें पता है माइक्रो की कितनी है, 10^-6, तो यहां लिखो पहले 5, ये 5 लिखा मैंने, माइक्रो की जगह आप स्टूडेंट लिख दो यहां पर 10^-6। क्लियर? ओके। और अब ये हमारे पास ऐड आ गया। ओके ऐड आ गया। अब C2 सेकंड कैपेसिटेंस कितनी, 10, यहां मैंने लिखा स्टूडेंट 10^-10^-6 अगेन -6, क्यों, क्योंकि यहां माइक्रो लगा हुआ है, आपको हमेशा इसको चेंज करना होगा अपनी आसानी के लिए, ठीक है, हमें पता है एक प्रीफिक्स है, मैं बहुत दफा बता चुका हूं। ओके। और फिर हम इसको इस तरह क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट सिंपल इसको और इसको अपने कैलकुलेटर में इसी तरह डाल के ब्रैकेट डालनी है यहां पर, प्लस का साइन डालेंगे आप, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट वो 10 की पावर में भी दे सकता है और इस तरह करके भी दे सकता है, ठीक है, यूं अगर वो आपको इस तरह करके आंसर दे रहा है, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम एक और जीरो भी स्टूडेंट यहां पे सिंपल हम इसको, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, और अगर आपको 10 की पावर में दे रहा है तो वो भी ठीक है, नहीं तो यहां से हम इसको खुद मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहां तक लेकर आऊंगा तो 6 हो जाएगा, पॉइंट को यहां तक भी ला सकते हो, यहां तक भी ला सकते हो, जहां आपका दिल करे वहां तक लेकर जा सकते हो, लेकिन उसी के हिसाब से फिर आपने दोबारा से क्या लगा देना, एक प्रीफिक्स भी लगा देना। इज इट क्लियर? ओके। देखो आप स्टूडेंट यहां पर मैं कह रहा हूं ये यहां तक लेकर आया मैं, तो 6 बन रहे थे, यहां तक पॉइंट ले आया, तो हमें पता है जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो 10^ की जो पावर होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, माइनस में होती है। वेरी गुड। तो मैं पॉइंट यहां तक ले आया, मल्टीप्लाई करवा दूंगा स्टूडेंट 10^-6। अब हमें पता है 10^-6 जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइक्रो के बराबर होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी इस वक्त यहां पर स्टूडेंट, वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो इस तरह भी लिख सकता हूं 15, इसकी जगह क्या डाल दूंगा, माइक्रो, और कैपेसिटेंस को हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट, इसको हम फेरेड में मेजर करते हैं, तो साथ क्या लगा दूंगा, फेरेड भी लगा दूंगा। तो स्टूडेंट ये हमने पहला इजी से जो है निकाल लिया है, कोई मुश्किल इसमें नहीं थी, ठीक है। ओके। अब हम स्टूडेंट देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे। अब वो कह रहा है पूरे उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने स्टोर होंगे, ये तो उसकी कैपेसिटी थी ना, कितने अमाउंट ऑफ जो है वो माइक्रो फेरेड चार्जेस की एबिलिटी है, वो चार्जेस स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको 12 वोल्ट बैटरी के साथ लगाऊंगा तो वो कितने हमारे चार्जेस स्टोर कर पाएगा। इज इट क्लियर? ओके। देखो स्टूडेंट
यहाँ पे हमारे पास जो इसका चार्ज का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा टोटल के लिए क्यू सी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का कैपेसिटर के टॉपिक में हमने देखा था, ये वाला टॉपिक प्रॉपर मैंने समझाया था कैसे फॉर्मूला आया हमारे पास। अब ये हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्लियर, क्योंकि अभी वो टोटल का पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने स्टोर हुए, तो जाहिर सी बात है जो टोटल सी कैपेसिटेंस होगी उसके साथ में वोल्टेज को क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। फिर वो अगले में ये कहेगा आपको कि पहले में कितना आ रहा था और दूसरे में कितना आ रहा था, वो हमने फिर अलग अलग से भी दोबारा से बताना है उसको, ओके। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकाल लेते हैं हम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला, ये बिल्कुल निकला, ये 15 माइक्रोफैरेड है जो कि इसके बराबर था, तो मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 6। और अब की बार क्योंकि 20 वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई 20 वोल्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। स्टूडेंट इस 20 को हम 15 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये देखो सिंपल यहाँ क्या आ गया, 300 आ गया, और ये चीज एज इट इज यहीं पे इसके साथ लिख दो 10 raised to power minus 6, ठीक है। अगेन अगर इसको आपने माइक्रो में चेंज करना है तो कर दो बेशक चेंज, तो टोटल जो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 300, प्रीफिक्स में अगर चेंज करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रो लगा दो इसके साथ, और जो चार्जेस होते हैं वो हम कूलम्स में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे साथ सी भी लगा दो कूलम्स। परेशान नहीं होना, ये इसकी एबिलिटी है कि इतने हमारे पास जो है इस चार्जेस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अभी चार्जेस कितने स्टोर हो रहे होंगे वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे पास वोल्टेजेस के, अगर मैं वोल्टेजेस बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो नंबर ऑफ जो टोटल चार्जेस होंगे वो भी क्या हो रहे होंगे, वो भी ज्यादा हो रहे होंगे, ये बात आ रही समझ। ये ऐसे ये फर्स्ट कर लो आपके पास एक टैंक है पानी का, वाटर टैंक है, और अगर मैं कहता हूँ ये पानी का वाटर टैंक है हमारे पास और इसमें एक ही इस वक्त क्या लग रहा है, पाइप लगा हुआ है एक छोटा सा पाइप, और इसमें क्या हो रहा है, फिलिंग हो रही है। अब इसकी जो पूरी कैपेसिटी थी पूरे टैंक की वो हम अभी मान लेते हैं जस्ट कि वो 10 लीटर की थी, ठीक है। 10 लीटर इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, वाटर आ सकता था, ओके। तो अभी इसमें एक ही हमने लगाया हुआ, यानी कि एक ही पाइप लगाया हुआ, यानी कि अगर एक पाइप, अब टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी थी 10 लीटर की थी, जिस तरह अभी यहाँ पे ये निकल आया 15 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस थी, लेकिन अगर मैंने एक पाइप लगाया हुआ है, ठीक है, वो छोटा पाइप है लाइक अभी मैंने जैसे 20 वोल्ट दिए हुए, तो इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कितने उस टाइम स्टोर हो रहे होंगे, ये बात आ रही समझोगे। अब फर्ज कर लो हम यहाँ पे एक दो तीन पाइप लगा देते, एक यहाँ पे भी लगाया और एक यहाँ पे भी लगाया, तो ऑब्वियसली अब नंबर ऑफ चार्जेस पे क्या जल्दी से भी होंगे और ज्यादा स्टोर होने लग जाएंगे, क्यों, अब मैंने एक किस्म का यहाँ से वोल्टेजेस बढ़ाया, तो वोल्टेजेस बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है इसके साथ, यानी कि अब की बार मैंने पाइप भी यहाँ पे ज्यादा लगा दिए, तो यहाँ पे अब जो चार्जेस हो रहे होंगे वो भी क्या हो रहे होंगे, ज्यादा स्टोर हो रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए, अब लिख लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वो हमसे क्या मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ ऊपर वाले से, ओके। अब नेक्स्ट में हमारे पास वो ये कह रहा है कि जो पहला कैपेसिटर है हमारे पास उसके ऊपर कितने चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे, यानी कि इस वाले पे कितने चार्जेस स्टोर होंगे, उसने अलग से मांगा है। तो अगर वो अलग से पूछ रहा है कि अभी तो हमने टोटल निकाला ना दोनों पे कितने स्टोर हो रहे थे, तो सिंपल वही Q1 इक्वल हो जाएगा C1 और B हो जाएगा हमारे पास यहां पे। तो अगेन C1 हमें पता है जो उसने हमें दिया हुआ था 5 था, और साथ वही माइक्रो मींस 10 raised to power minus 6, और वोल्टेजेस कितनी दे रहे हैं हम 20 दे रहे हैं, इसको इसका मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इस तरह उसने Q2 भी हमसे मांगा, अगेन C2 V हो जाएगा हमारे पास, और फिर से यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट देखो C2 से दिया हुआ 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो है, माइक्रो जगह 10 raised to power minus 6 आ जाएगा, और वोल्टेजेस कितने 20 है, तो यहाँ पे 20 इसी तरह दोबारा आ जाएगा, क्लियर। 5 को मल्टीप्लाई करवा दो 20 के साथ, स्टूडेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे 10 raised to power minus 6 हो जाएगा। अगेन अगर इसको मैं चेंज करूँ यहाँ पर प्रीफिक्स में, तो मैं लिख दूंगा 100 माइक्रो, और चार्जेस को हम किस में लेते हैं, कूलम। तो जो हमारे पास देखो कैपेसिटर 1 में थे वो कितने चार्जेस स्टोर हो रहे, 100 माइक्रो कूलम के चार्जेस स्टोर हो रहे। इस तरह भी जो दूसरा कैपेसिटर है उसका भी देख लेते हैं हम, तो 20 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6। और अगेन इसको आप चेंज कर सकते हो किस में स्टूडेंट, माइक्रो में भी चेंज कर सकते हो, तो मैं इसको चेंज करके इसमें माइक्रो में लिख देता हूँ, साथ क्या लिख देता हूँ, कूलम। तो Q2 में जो जितने चार्जेस आ रहे थे वो मेरे पास ये आ रहे।
हमारे। अब गौर से देखो, जो C1 था हमारा, C2 था, उसकी देखो कैपेसिटेंस ज्यादा थी, यानी कि वो एक बड़ा टैंक था। तो देखो उसके अंदर जो चार्जेस भी स्टोर हो रहे वो भी ज्यादा थे, और जो हमारे पास C1 था वो एक छोटा कैपेसिटेंस था, उसकी एबिलिटी कम थी चार्जेस को स्टोर करने के लिए। तो स्टूडेंट देखो उसके अंदर चार्जेस भी उसी के हिसाब से कम स्टोर हुए हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, वो तो बहुत आसान है। वो ये कह रहा है यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट में पढ़ देता हूं, कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईच कैपेसिटर पे वो कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज। तो हर कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेजेस होंगे वो अब ये हमसे पूछ रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम जो है यहाँ पर कैपेसिटर को किसके साथ लगाए, बैटरी के साथ अगर पैरेलल में लगा रहे होते, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि देखो ये पैरेलल में अगर 20 वोल्टेजेस इधर जा रहे, तो 20 वोल्टेजेस स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी 20, देखो यहाँ से इसमें भी 20 जा रहे डायरेक्ट, और यहाँ पे इसमें भी क्या जा रहे थे 20, इस तरह यहाँ पे इसमें भी डायरेक्ट 20 जा रहे, और यहाँ पे इसमें भी डायरेक्ट 20 जा रहे। तो जो दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल में जब आप लगाते हैं तो वो सेम रहता है। तो आपने इसका यही आंसर लिख देना है कि क्योंकि बिकॉज वी कनेक्टेड द कैपेसिटर इन पैरेलल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर क्या होगा हमारे पास, वो सेम होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इसका डी में बस आपने ये आंसर लिख देना कि जो पोटेंशियल है वो दोनों में क्या सेम है। तो इसका मतलब ये कि V1 इक्वल है V2 और वो बराबर है V, और V खुद किसके बराबर है 20 वोल्ट के। तो दोनों पे इस वक्त हमारे पास 20 वोल्ट जा रहा होगा। लेकिन जब हम पैरेलल में कैपेसिटर को लगाते हैं तो नंबर ऑफ जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसकी क्या वजह है ये भी देख लो स्टूडेंट। क्योंकि यहां से जब चार्ज जाता है तो चार्ज को एक रास्ता ये वाला, देखो एक रास्ता चार्ज को ये वाला मिल जाता है चार्जेस, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, और एक चार्ज को रास्ता ऊपर वाले चला जाता है। तो कुछ चार्जेस यहां पे चले जाते हैं, कुछ चार्जेस ऊपर चले जाते हैं। जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि चार्जेस को दो रास्ते मिल जाते हैं जाने के लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। इज इट क्लियर? ओके, मुझे पता है टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे कर रहे हैं हम। ओके तो स्टूडेंट अब इसको लिख लीजिए, हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें वो ये कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 10 वोल्ट बैटरी, फाइंड करना है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो अब की बार दो कैपेसिटर हमने लगाए, लेकिन किसमें लगाए, सीरीज। सीरीज का मतलब होता है स्टूडेंट एक के बाद एक और, तो एक के बाद एक और कितनी बैटरी के साथ लगाया हमने इसको, 10 वोल्ट पोटेंशियल दिया है। इज इट क्लियर? ओके, और देखो ये मैंने यहीं पे डिटेक्ट कर दिया कि जो माइक्रो है वो 10^-6 होता है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, और उसको भी 10^-6 कर दिया। क्लियर? ओके, अच्छा अब वो क्या मांग रहा है उसको हम देखते हैं। वो ये कह रहा है कि हमारे पास फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, टोटल इसमें कितनी एबिलिटी है इस वक्त चार्जेस स्टोर करने की, टोटल ओवरऑल कितनी कैपेसिटेंस रख सकता है ये। तो स्टूडेंट जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस होती है वो कम हो जाती है। देखो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ था, इसका मतलब ये जब देखो ना एक चीज जब डिवाइड हो रही होती है, लाइक 1/something और इधर भी 1/something 1/something, तो जब एक चीज डिवाइड होती है तो स्टूडेंट ऑब्वियसली बात हमारे पास उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम आ जाती है। तो इसका मतलब ये जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी, कैपेसिटेंस की जो अमाउंट हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आ रही समझ? ओके, अच्छा एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने टोटल चार्जेस देखने हैं इन दोनों कैपेसिटर पे, जो ओवरऑल टोटल चार्ज अगर मैं डायरेक्ट मांगू दोनों में, एक एक करके नहीं दोनों में, वो हमने बताना है कि टोटल चार्जेस इसके अंदर कितने, और उसके बाद हमने स्टूडेंट नेक्स्ट क्या बताना है, नेक्स्ट ये बताना है कि कैपेसिटर 1 पे कितना चार्ज होगा और कैपेसिटर 2 पे कितना चार्ज होगा। डन, और लास्ट में हमने ये बता देना है कि इस V इस पहले वाले पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेजेस इसको कितने मिल रहे हैं और वोल्टेजेस इसको कितने मिल रहे हैं। स्टूडेंट एक चीज याद रखना, बल्कि चलो मैं आखिर में ही बताता हूं, साथ साथ करते हैं वरना फिर चीज दो दफा रिपीट हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पर मैं इसको जो हमारे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट हमें पता है जो इक्वल कैपेसिटेंस होगी जब हम किसी भी चीज को किसमें लगाते हैं, किसी भी चीज को हम जब सीरीज में लगाते हैं तो बराबर होता है दिस
इक्वल 1 डिवाइडेड बाय सी वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी टू और सो ऑन, अगर और भी होते तो हमने उसको यहाँ पे क्या कर देना, ऐड कर देना था. इज इट क्लियर? ओके. अब यहाँ पर 1 डिवाइड करवाऊंगा सी वन. स्टूडेंट सी वन हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और 3/7 माइक्रो मैंने आपको बता दिया 10^-6 आ जाएगा. क्लियर? बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा, 1 फिर डिवाइड हो रहा है हमारे पास. और अब की बार कितना है हमारे पास, सी टू, ये हो गया हमारे पास, सी टू भी आ गया हमारे पास. बीच में स्टूडेंट प्लस है, हम इसको इसका एलसीएम ले लेंगे. हमें पता है इसके एलसीएम में जो आएगा, ये तो 10^-6 इधर भी है, 10^-6 इधर भी है. जाहिर सी बात है, चीज दो दफा लिखी होती है एलसीएम में इस तरह करके, उसको तो हम एक ही दफा लिख देंगे. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको मैनुअली समझा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो. तो ये तो इस तरह आ गया इसके साथ, क्योंकि ये इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है. अब 3 और 6 का आप एलसीएम ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 ही आ जाएगा. इज इट क्लियर? वो 6 मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस तरह करके लिख देता हूँ. क्लियर? ओके. अब 3 2 टाइम क्या होता है, 6, वो 2 ऊपर जाके हो जाएगा स्टूडेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहां पे 2 आ गया प्लस एज इट इज. अब 6 और ये जो ये वाला था 10^-6, ये इससे कट गया, मींस ये चीज इस चीज से कट गई, पीछे ये रह गया था. तो 3 का टेबल आपने पढ़ना है कितने टाइम, 2 टाइम, वो ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डन. अब यहां पर अगेन 10^-6 ये तो कट गया और 6 भी 6 के साथ कट गया, मींस नीचे कुछ भी नहीं बचा. तो ऊपर डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. बात आ रही समझ? ओके. अब फ्रेंड्स को मैं मजीद हल करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 6 × 10^-6. इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या निकल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय सी इक्वल्स कैपेसिटेंस निकल रहा है. हमें डायरेक्ट सी इक्वल्स कैपेसिटेंस चाहिए, 1 बाय में हमें नहीं चाहिए. ओके तो इसका सिंपल से हमारे पास हल है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उलट ले लेते हैं. ठीक है, तो अभी ये चीज हमारे पास इस चीज के बराबर आ रही है, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल ले लो, उसको उल्टा दो. ठीक है, अगर हम उल्टा देंगे तो मींस ये चीज अगर उल्टेगी तो ये वाली साइड भी हमारे पास क्या हो जाती है, उलट जाती है. इस चीज को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके जरिए भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा. ओके तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं. रेसिप्रोकल में ये चीज उलट गई, यानी कि 1 नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया. इसी तरह ये वाली जो साइड है स्टूडेंट, ये ऊपर हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा. तो 6 × 10^-6 / 3 हो जाएगा. क्लियर? ओके. 3 1 × 3, 3 2 × 6 हो जाएगा. तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 × 10^-6. हमें पता है 10^-6 को जो है हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इसको मैं से भी लिख सकता हूँ 2 × यानी कि मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डायरेक्ट हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, माइक्रो कर देते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट? माइक्रो आ गया और साथ हम क्या लगा देंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस को मेरे साथ हम फेरिट लगा देंगे. तो 2 μF का ये क्या कर रहा होगा, इसके अंदर एबिलिटी इस वक्त हो जाएगी. अगर इसको हम किस में लगाएंगे, इसको हम अगर सीरीज में लगाएंगे. क्लियर? ओके. ये वैल्यू अब लिख लो, हो सकता है मैं कुछ अरेंज कर दूं फिर. अब थोड़ा हमने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं इन दोनों कैपेसिटर पे. अगेन वही पिछला फार्मूला जो हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी लगाया था, हमें पता है क्यू टी जो बराबर है, टोटल अगर निकालना है वो बराबर है सी इक्विवेलेंस इनटू वी. टोटल निकालना है तो जाहिर सी बात है इसमें जो इक्वल्स कैपेसिटेंस जो होगी वही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा ना. ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर पुट करें इक्वल्स की, अभी निकाली है मैंने 2 × 10^-6. और स्टूडेंट वोल्टेजेस कितनी दे रहे हैं बताओ मुझे जरा. वोल्टेजेस हम 10 वोल्ट दे रहे, तो यहाँ पे 10 भी साथ आ जाएगा. ठीक है, ओके. 10 × 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20 हो जाएगा. वेरी गुड, यहाँ 20 आ गया साथ, और साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10^-6. चार्जेस हम किस में कैलकुलेट करते हैं, कूलम्स में. तो साथ में कूलम लगा दूंगा इसके, और इसको एक और इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 20 × इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, इसकी जगह आप डायरेक्ट माइक्रो डाल दीजिए. और साथ कूलम को हम जो चार्जेस को हम कूलम में लेते हैं, तो ये साथ क्या आ गया हमारे पास, सी आ जाएगा. तो इतना अमाउंट ऑफ चार्जेस जो ये दोनों अभी एट द सेम टाइम क्या कर रहे होंगे, दोनों को मिला के जो है इतने चार्जेस इसके अंदर क्या है, स्टोर है. ओके, अब वो नेक्स्ट बात ये कह रहा है कि जो Q1 है और Q2, अब वो अलग अलग कह रहा है कि इसमें कितने चार्जेस होंगे और इसमें कितने चार्जेस होंगे. तो याद रखो स्टूडेंट, अब की बार जो हमारे पास चार्जेस को जाने का जो रास्ता है वो एक ही है. देखो चार्जेस यहां से जा रहे हैं ऐसे करके, चार्जेस को दो दो रस्ते नहीं है. लास्ट टाइम पैरेलल में हमारे पास दो दो रस्ते थे चार्जेस के, तो चार्जेस डिवाइड हो गए, डिफरेंट हो गए. अब की बार यहाँ पे चार्जेस को जाने का जो रास्ता है वो ही एक है. जब एक ही रास्ता है इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे वो सेम होंगे.
वेरी गुड। तो यहाँ पे जिस तरह ये टोटल निकाले हमने, जो क्यू वन होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये मैं आप ऐसे कर देता हूँ, और जो क्यू टू है आपने इसको ऐसे लिखना है कि बिकॉज द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज सो द चार्ज, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द चार्जेस, सो द चार्जेस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो वो हमने यहाँ निकाल लिया, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपने ऐसे कर देना लाइक क्यू वन में भी हमारे पास किस क्यू वन बराबर है क्यू टू के और क्यू टू बराबर है क्यू के, तो यहाँ पे सभी इक्वल है, तो इसका मतलब इन सब के जो हमारे पास होगा वो यही आएगा 20 माइक्रो कूलम के चार्जेस, इसमें भी होगा और दूसरे में भी उतने ही होगा। क्लियर? ओके, अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि वी वन और वी टू क्या होगा, मीन्स ये कितनी वोल्टेजेस ले रहा है और ये वाला कितनी वोल्टेजेस ले रहा है। यस, आपके पास वोल्टेज दोनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जिस तरह आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्टेज का, कुछ यहाँ पे डिवाइड होगी स्टूडेंट और कुछ यहाँ से यहाँ पे डिवाइड होगी, मतलब कि हमारे पास जो वोल्टेजेस है वो आपकी बात सेम नहीं है, पैरेलल में सेम होती है लेकिन यहाँ पे वो सेम नहीं है। वेरी गुड। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ओके डन। ओके, आई थिंक इतनी जगह काफी होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं, वेरी इजी वेरी सिंपल। ओके, देखो यही वाला फार्मूला लेके चलेंगे हम। देखो Q हमारे पास, Q मैं सिर्फ Q ही ले रहा हूँ क्योंकि Q1 Q2 और जो Q है वो इक्वल है Q के, तो मैं यहाँ पर सिर्फ Q ही लिख रहा हूँ, बराबर है होता है हमारे पास इसके सी वी के, इज इट क्लियर? ओके, तो अब हमने जाहिर सी बात है फर्स्ट में देख रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले कैपेसिटेंस पे देखूंगा कि वी वन वोल्टेज कितनी है, फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा नीचे जाके स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सी वन, यहाँ पे मेरे पास ऐसे ही हुआ। ओके, ये मेरे पास ऐसे हो गया डन। अब चार्जेस हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, चार्जेस के हमारे पास थी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, ये माइक्रो वो वापस डाल दिया मैंने, और सी वन जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो कितने स्टूडेंट, वो ये रही 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6। स्टूडेंट देखो 10 रेज टू पावर माइनस 6 और 10 रेज टू पावर माइनस 6 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, जब ये 6 ऊपर जाके यानी माइनस 6 से प्लस 6 हो जाएगा तो कट जाएगा और 10 रेज टू पावर 0 रह जाएगी, और किसी चीज की भी पावर जब 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, इट्स मीन ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, 1 आ जाएगा हमारे पास, पीछे रह गया 3 और 20, तो हम 3 और 20 को स्टूडेंट क्या कर देते, डिवाइड करवा देता हूं मैं, ऊपर हमारे पास 20 है ओके और डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है 6.66 राउंड ऑफ करके 6.67 हो जाएगा, और ये मेरे पास V1 वोल्टेजेस आ जाएंगी, यानी कि जो पहला वाला जो हमारे पास कैपेसिटर होगा वो 10 में से 6.67 वोल्टेजेस क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। अब आप डायरेक्ट 10 में से इस अमाउंट को माइनस करो, बाकी वो ये सेकंड वाला खुद कंज्यूम करने लग जाएगा, लेकिन इस तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको प्रॉपर फॉर्मूले से ही निकालते हैं, देखते क्या उससे करीब आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा, ये भी देख लेंगे हम। ओके, अगेन हम देखते हैं क्यू बराबर आ गए हमारे पास C2V2, क्योंकि अब हमने क्या देखना है, वोल्टेजेस दूसरे वाले कैपेसिटर में देखना, अगेन हम इसको रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट, क्यू यहीं पर रहा हमारे पास और नीचे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास इसके साथ ये C2 के साथ, और साथ क्या आ जाएगा V2, मैं इस साइड पे कर रहा हूं। ओके, चार्जेस हमारे पास वही सेम, अगेन 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट किसके साथ, C2 कितना है स्टूडेंट, 6 ही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, अगेन 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, वही सारी गैम चलेगी यहाँ पे, और ये गैम होते इसको हमने गैम कर दिया, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया 20 और 6, तो 20 और 6 को मैं डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट, तो देखो मेरे पास आंसर कितना आया स्टूडेंट, देखो 3.33 वो यानी कि V2 जो था वो 3.33 मेरे पास आ गया, इज इट क्लियर? अब देखो 3.33 में स्टूडेंट आप लोग ऐड करो कितना 6.67, तो देखो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 10.003, मींस हमने 10 वोल्टेज हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए, इनके आधे यहाँ, मैंने कहा था ना कि कुछ यहाँ पे चले जाएंगे कुछ यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाला कितना कंज्यूम कर रहा है, ये वाला इस वक्त 6.67 कंज्यूम करने लग जाएगा, और जो सेकंड वाला स्टूडेंट वो 3.33, दोनों को ऐड करो तो हमें पता लग गया कि वो टोटल 10 हो गया, 10 में से आप डायरेक्ट इसको माइनस भी कर देते तो भी आपको पता चल जाना था कि सेकंड वाला हमारे पास 3.33 आ जाना था, इज इट क्लियर? ओके, हैशटैग पीस आउट बल्कि भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल रहता है, वो भी अभी हम करते हैं, यस एक और रहता है ना आठवां। ओके, चलो आप इसे लिखे फिर हम आठवां वाला भी कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट, फाइनली हम अपना 8 न्यूमेरिकल करने लगे। स्टूडेंट, जो मेरा मेन मकसद, ये जो सब थे, मैंने कुछ जो पोर्शन है बहुत बेसिक बेसिक करके समझाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे नहीं पता जो मेरा आगे जो ऑडियंस बैठा हुआ, जो स्टूडेंट बैठा हुआ, उसका लेवल क्या है। हो सकता है उसका लेवल बहुत नीचे डाउन हो, और एक ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो इस वक्त सुन रहा होगा जिसका लेवल काफी ऊपर होगा। तो टीचर का मेन काम ही ये होता है कि वो सबको एक साथ लेके चले। तो जिसको समझ आ रही होती है वो बेशक वीडियो को थोड़ा तेज कर लिया करे, और जिसको ये लग रहा होता है कि मैं अभी भी तेज बोल रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इससे भी, अगर मैं काफी, आप लोग कहते हो कि मैं बहुत तेज तेज पढ़ा रहा होता हूं, तो उसकी वजह ये होती है वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप फिर ऐसे कर लिया करें कि उसको, मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया करें, ठीक है। और दूसरा मेन यही मकसद मैंने जो आपको बताया कि जो टीचर है उसने सबको लेके चलना होता है स्टूडेंट के लेवल पे आके। मुझे पता है मैं भाषण दे रहा हूं, लेकिन सुन लो ना, ठीक है। लाइक अगर एक बच्चा यहां तक है, एक बच्चे का लेवल, ठीक है, वो यहाँ पे एक बच्चे का लेवल, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो अब टीचर का लेवल अगर यहाँ पे है तो उसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है ताकि सबको, लाइक अब टीचर यहाँ पे इसको समझ, अगर ये मैं टीचर तेज भी पढ़ा रहा हूँ, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो अगर यहाँ पे भी टीचर होगा ये कोशिश करेगा मैं इसको कैच करूं, लेकिन जिसका बेसिक ही खराब है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए भी टीचर को थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, टीचर को नीचे आना पड़ता है। तो मेन मेरा सिर्फ पर्पज ये होता है बेसिक समझाने का, जो ये नीचे वाले है मेरा मेन फोकस इन पे है कि ये जो नीचे वाले बच्चे है ये इनको समझ आ जाए कि यार मैन्युअली सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, वो कंफ्यूज ना हो। मेन मेरा बस यही पर्पस होता है, ठीक है। बहुत भाषण हो गया, ठीक है, अब हम आगे करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास 8वां जो न्यूमेरिकल है वो इसमें हमारे पास ये है कि इफ अ कैपेसिटर स्टोर 100 कूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी 200 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर है जिसको हमने क्या किया, जोड़ा, ठीक है, 200 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक हो गया। और हमारे पास वो क्या कर रहा था, हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर ऑन इट कनेक्टेड विद 45 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर था स्टूडेंट, वो कितने कूलम चार्ज स्टोर कर रहा था, 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा, जब हमने उसको 200 वोल्ट बैटरी के साथ लगाया था। अब हमने वही जो कैपेसिटर था उसको हमने कितने के साथ लगाना है, 45 वोल्ट के साथ लगाना है। तो अब की बार वो चार्जेस कितने स्टोर करेगा, एक तो कॉमन सेंस की बात यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखनी चाहिए कि हमने वोल्टेजेस कम किए हैं, तो अब की बार जो यहाँ वैल्यू आनी चाहिए चार्जेस के स्टोर होने की वो भी कम आनी चाहिए। ये एक बात याद रखना, आंसर में कम होना चाहिए, 10 से कम, क्योंकि हमने वोल्टेज क्या कर दी, कम। ये ऐसे ही है कि ये वही मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये एक टैंक है और अभी अब की बार इस टैंक के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, देखो अगर 200 वोल्ट की बात करूं, मीन्स हमने यहाँ पे एक बहुत बड़े क्या लगा दिए, पाइप लगा दिए पानी के इसको फिल करने के लिए, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े पाइप लगा दिए। तो जाहिर सी बात है जो चार्जेस इसकी जो कैपेसिटी थी, अगर 10 लीटर थी कैपेसिटी, तो जो चार्जेस इसके अंदर स्टोर होने लग जाएंगे वो ज्यादा स्टोर होने लग जाएंगे, क्योंकि हमने यहां पे पाइप में से जो कि फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा है, जब हम वोल्टेजेस बढ़ा रहे हैं इट्स मीन हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस ज्यादा है। तो ये मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि अभी 200 वोल्ट था तो इसके अंदर चार्जेस ज्यादा से ज्यादा आ रहे थे और ज्यादा स्टोर हो रहे थे। कैपेसिटी इसकी बेशक यहां पे मैं कह देता हूं, कैपेसिटी इसकी यहां पे अगर 10 लीटर थी हमारे पास, ठीक है, तो अभी ये जल्दी-जल्दी स्टोर होगा। लेकिन अब की बार वो आपको कहता है कि आप वोल्टेजेस 45 पे कर दो, मीन जब आपने वोल्टेज 45 किया तो स्टूडेंट आपने अमाउंट ऑफ जो चार्जेस थे उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि मैं कहूं एक छोटा सा सिंगल सा हमारे पास यहां पे हम पाइप ले लेते और उससे हम क्या कर रहे हैं, इस टैंक को फिल कर रहे। तो जाहिर सी बात है आपकी बारिश के अंदर जो चार्जेस, ये जो 10 लीटर का जो इसमें कैपेसिटी थी, इसके अंदर जो चार्जेस भी स्टोर होंगे वो भी कम होंगे। ये वाटर फ्लो का मींस यही है कि वो जो अमाउंट ऑफ चार्जेस जो फ्लो हो रहे, मैं इसको जो वाटर फ्लो है इसको चार्जेस के साथ रिलेट करके बता रहा हूं, इज इट क्लियर। तो अब की बार जब हमने पाइप छोटा किया, चार्जेस स्लो कम कर दिए, तो इसके अंदर जो चार्जेस स्टोर होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी कम होंगे। ओके, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें वही सिंपल हमारे पास न्यूमेरिकल वही वाला, ये वाला यूज होगा। देखो Q इक्वल है CV के, क्लियर। और वो हमसे क्या फाइंड आउट कर रहा है, वो कहता है चार्जेस कितने होंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस मीन्स Q2 यानी कि अगर हम उसकी वोल्टेज बढ़ा दें, तो Q2 मैंने ऐसे ही लिखा
सी मैंने ऐसे ही लिखा और जो वोल्टेजेस है वो उससे दे दिए कि आपके बार में उसको कितने वोल्टेजेस दे रहा हूं, 45 वोल्टेजेस दे रहा हूं। अब मसला यहां पे ये है, मुझे ये नहीं पता उस टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी, जिससे मैंने यहां बताया ना आपको 10 लीटर, हमें यहां पे ये नहीं पता उसके हमारे पास टोटल कितने फेरेट कैपेसिटी पड़ी हुई थी उसकी, ठीक है। तो वो जो फेरेट यहां से निकालेंगे वो हम इस डाटा से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चीजें गिवन है, एक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डन। ओके देखो आप स्टूडेंट, यहां पे इसको यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, Q इक्वल है हमारे पास CV के, ये 1 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी और ये V1 हो गया। C निकालना है ताकि मैं वहां पुट कर सकूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा नीचे जाके क्या हो जाएगा V1 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहां पे C आ जाएगा। ओके चार्जेस स्टूडेंट गिवन है हमारे पास कितने, 10 है, वोल्टेजेस भी गिवन थी कितनी है, 200 थी, ये 2 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल आउट होकर 1 को हम कर देंगे डिवाइड, किसके साथ 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे, 1 / 2 तो 20, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट ये 0.05 हमारे पास उसकी क्या आ गई कैपेसिटेंस आ गई फेरेड में। और अगर इसको आप चेंज करो तो वो आप उस तरह चेंज भी कर सकते हो अगर यहां से पॉइंट को चेंज कराओगे, ठीक है डन। अब ये हम एक सी निकल आया, सी को यहां पुट कर देते 0.05 को और 45 के साथ हम इसको क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते, ये लो मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 45। तो स्टूडेंट मेरे पास जो चार्जेस इस वक्त स्टोर हो रहे हैं इसमें वो 2.25 कूलम चार्ज इसमें क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। अब खुद देख लो, पहले चार्जेस कितने स्टोर हो रहे थे, 10 कूलम, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कम किया, वोल्टेजेस कम किए, फ्लो ऑफ चार्जेस कम हुए, जब फ्लो ऑफ चार्जेस पाइप में कम हुए, ठीक है ये पाइप मींस वायर, ठीक है समझाने के लिए, तो हमारे पास चार्जेस भी इसके अंदर क्या आपकी बार कम स्टोर होंगे, ठीक है डन क्लियर। #peace out, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।